सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। दुकानदार दुकान पर शाकाहारी या फिर मांसाहारी किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं बस ये बताना होगा। इस संबंध में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इनमें शामिल करना चाहता है तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अयोध्या के संत और व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जो फरमान था पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश सरकार का कि नेम प्लेट लगाकर ही कांवड़ यात्रा में जो भी मार्ग हैं उसमें जितनी भी दुकानें हैं खाद्य सामग्री उस पर नेम प्लेट लगाना, यह हम मैं मानता हूं कि एक शुचिता और पवित्रता के आधार पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश और दिशा निर्देश संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया था। चूंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्चतम न्यायालय है, न्याय प्रणालिक व्यवस्था है जिसका जो भी निर्णय होगा सर्वमान्य है और हम लोग तो संवैधानिक न्याय प्रणालिक लोग हैं, हम लोग लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, न्यायिक प्रक्रिया को मानते हैं, पूरी तरीके से सम्मान है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह भी मैं करता हूं अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज कि क्या थूक जिहाद के समर्थक हैं आप, क्या आप जो है इस्लामिक धर्मांतरण के समर्थक हैं आप, क्या अनेक जिहाद जिस प्रकार से चलाया जा रहा है उसका समर्थन करता है माननीय सुप्रीम कोर्ट? यदि हाँ तो इस पर एक सख्त कानून बना दिया जाए और हिंदू समाज को दरकिनार कर दिया जाए, अन्यथा जिस प्रकार से जिहाद फैलाया जा रहा है उस पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून और सख्त नियमावली के अंतर्गत भारत में कड़े कानून लागू किए जाएँ जिससे थूक जिहाद पर प्रतिबंध लगे, पूर्ण रूप से धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगे, पूर्ण रूप से जिहाद पर प्रतिबंध लगे। अभी उन्होंने रोक दिया है, अंतरिम कर दिया है, क्या कहेंगे? अब कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, कोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो नियम बनाया था वो अनुकूल था कि सबको अपना चिन्ह बताना चाहिए, परिचय बताना चाहिए, इसलिए कि कौन क्या है, भोजन में कौन क्या खाता है, कौन क्या नहीं खाता है। ये स्वाभाविक है कि इस देश के अंदर कुछ ऐसे अराजक तत्व लोग हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का कुचक रच रहे हैं। उसको दूर करने के लिए ये जो नियम योगी जी ने बनाया था बहुत अच्छा था, मैंने उसका समर्थन भी किया था और मैं आज चाहता भी हूँ कि पहचान होनी चाहिए, इसीलिए तो आधार कार्ड बनाया गया है। जब मनुष्य की पहचान आधार कार्ड भारत ने बनाया है तो उसकी भी पहचान होना चाहिए कि कौन क्या है, किस जाति का है। और ये जो नियम था बहुत अच्छा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना हम लोगों का धर्म। देखिए, जैसे कि हम हिंदुओं को लेकर के, अवस्थाओं को लेकर के तमाम तरह के जो हम लोगों को नेम प्लेट लगाए गए हैं, वैसे मुसलमानों को अगर दूसरे धर्म के लोग अगर अपना नेम प्लेट लगाते हैं और उनसे उनका ये चीज़ जात धर्म लागू होता है, आए दिन तमाम ऐसे तमाम घटना और तमाम व्यापारी वर्ग के लोग इस तरीके से निकले हैं कि जो गलत तरीके से लोगों को सामान दिए और कहे हम हिंदू हैं, तो उनकी पहचान करने के लिए नेम प्लेट वाला बात हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक समाजसेवी संस्था ने जो है वहाँ पर हलफनामा दायर किया कि मतलब इस पर रोक लगाई जाए, रोक लगा दी गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को उसको संज्ञान लेना चाहिए कि इसमें धर्म से संबंधित जितने भी लोग हैं अपना नाम लगाएं, अपना नेम प्लेट लगाएं और नेम प्लेट लगाने के बाद लोग उनके दुकान पे जाते हैं नहीं जाते हैं ये तो उसका आस्था का विषय है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये फैसले को कैसे? सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जगह पे रोक लगाई है, उसने रिजेक्ट नहीं किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर, चूँकि जो फैसला लेगा वो तो सही लेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, अंतरिम रोक लगाया है। लेकिन कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट को ये संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे जगह पे वो अपने जगह पे अपने सही नाम पता बताएं और नई सही जगह से लोग दुकानदार को लोग तस्दीक करें। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है तो उसका सम्मान हम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि यहाँ पर जो धोखा करते हैं भाई लोग, नाम प्लेट
गुड्डू है, पिंटू है या वकील है, उसमें आड़ में मुस्लिम लोग रहते हैं और धर्म खराब कर देते हैं हिंदुओं का। जो मान लीजिए सावन के मेले में महीने में लोग व्रत रहते हैं, एक महीने लहसुन प्याज नान भी नहीं खाते, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है इन लोग की वजह से, जो धर्म उसके नाम के आड़ में अपना गलत काम करते हैं। जितेंद्र कुमार गुप्ता, लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।